दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, ये जो बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, आप क्या समझते हैं? क्योंकि यूसुफ ज़गलानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी की तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं, शिकायत कैसी? तो ये कभी भी पाकिस्तान की सियासत में ये नहीं हुआ कि सबके लिए मैदान एक सा हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उसमें तो बहुत कम देखने को मिला है कि आजादाना इलेक्शन हुए हों। एक आध मिसाल आप 70s की दे सकते हैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से, एक आध मिसाल आप शायद दे सकते हैं 2008 के इलेक्शन जो हुए थे मुशरफ साहब के इरा के दौरान, जो 2008 में जो इलेक्शन हुए थे, उनको आप रिलेटिवली कह सकते हैं कि शायद उसमें इंटरफेरेंस कम थी। वरना तो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसके अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का तस्वीर जो है वो आप और मैं कर सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। और हमेशा पसंदीदा एलिमेंट जो है उसकी कमर पे हाथ रखा जाता है और फिर उसी के जरिए बज़ाहिर जो है वो सियासी हुकूमतें बनाई जाती हैं, जमहूरी हुकूमतें बनाई जाती हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही बयानिया आप उनका नाम ले रहे थे, उन्हीं का बयानिया आप सुन लें कि पहली हुकूमत में उनके दौरे इकतदार में कितनी इंटरफेरेंस रही दीगर एलिमेंट्स की, दूसरे उनके दौरे इकतदार में कितनी इन्वॉल्वमेंट रही उस एलिमेंट की या उन एलिमेंट्स की, और तीसरे के हवाले से तो वो बरमला गुजरांवाला के जलसे में भी और उसके बावजूद भी कई जगहों पर कह चुके हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स होती रहीं उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने में या उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस में रुकावटें डालने के हवाले। मोहतरमा शहीद के जो दो टेन्योर्स थे वो भी बड़े वाजे हैं सारों के सामने, उनको मुकम्मल नहीं होने दिया गया। और जहाँ पे वो आजादाना अपनी पॉलिसीज बना के और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में चलना चाहती थी वहां पे उनके लिए रुकावटें डाली गई। 2018 के इलेक्शन आपके सामने, 2014 से लेके और 2018 के इलेक्शन तक जिस तरह से मेंबर्स को, इलेक्टेबल्स को, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि दाएं बाएं से तोड़ के और एक मखसूस जमात के अंदर शामिल कराया गया और फिर उस जमात को इख्तदार सौंपा गया, ये चीजें भी किसी से पोशीदा नहीं है। कल के अच्छे आज के बुरे, आज के बुरे शायद फिर कल अच्छे हो जाएं। अगर इसको आप जमहूरियत और सियासत कहते हैं जी, तो फिर आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। खोसा साहब, अब जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे परफॉर्म करेगी? क्योंकि अभी भी देखें, अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो नजर आ रही है, आपको भी पता है कि अब जो हवा किसी और तरफ की बनाई जा रही है, तो आप खास तौर पे जनूबी पंजाब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपकी फैमिली का बड़ा नाम है, अब आप वज़ीर-ए-आला पंजाब भी रहे हैं, आप शरीफ खानदान को बहुत करीब से देखते हैं, क्या अब भी उनकी तर्ज सियासत जो है कि जिस तरह आपने देखा कि वो एक खानदान और उसके बाद अगर है तो सिर्फ एक खास क्लैन जो है उसकी तरफ उनकी तवज्जो होती है और वो जीटी रोड और उसी सियासत, क्या अब भी वही डील की सियासत जिस तरह से वो हमेशा इख्तदार में रहे हैं, आपको लगता है इस दफा भी वो गेम कर जाएंगे? नहीं, अपनी तरफ से तो वो तमाम जो मैं यूं कहूंगा कि पीडीएम के जो एलिमेंट्स थे, जब आज से कमोबेश 2 साल पहले पीडीएम की हुकूमत बनी, तो उसमें जो जो पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ शामिल हुई थी और पीपल्स पार्टी उनके साथ इलहाक में थी, पीडीएम के साथ इलहाक में थी, तो उन, मैं तो ये समझता हूँ कि उन सारों के साथ उन्होंने हाथ तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा का कलमदान संभाल लिया था। और इन खदशात का इजहार जो है वो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को हर टेयर के ऊपर, चाहे वो सेकेंड टेयर लीडरशिप हो या चेयरमैन साहब हो या को चेयरमैन साहब हों, इन खदशात का इजहार तो हम, मैं और मुझ जैसे बहुत सारे करते रहे हैं उनके सामने। ठीक, लेकिन मुल्क उस वक्त ऐसे कुछ नाजुक हालात से गुजर रहा था कि शायद हमारी उन बातों को उस वक्त नज़रअंदाज किया गया और आज वो चीज़ें जो है वो सबके सामने आ रही हैं, मौलाना साहब के सामने भी, हमारे सामने भी, दीगरान के सामने भी। अगर ये समझा जाए, जैसे आपके सवाल, आपके दो सवाल थे, एक नून के हवाले से था, एक पीपल्स पार्टी के हवाले से था। जी, पीपल्स पार्टी अपनी बेस तो रखती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KPK हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, पीपल्स पार्टी की तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है।
अब आपने बात की मनूवरिंग की जी, तो कुछ अर्सा पहले आपने देखा था कि लोग बड़े खुश होके और पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू करके पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे, शमूलियत इख्तियार कर रहे थे, खास तौर पे पोस्ट 9 मई 9th of May जी जी, और यकायक जिन लोगों की कमिटमेंट्स थी पीपल्स पार्टी की तरफ यानी शमूलियत के हवाले से, वो लोग ठहर गए, रुक गए जी, उनको रोक लिया गया, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उनको रोक लिया गया, कईयों को थोड़ा जोर दे के रोक लिया गया, कईयों को कहा गया कि अभी जरा आप फैसला ना करें, रुक जाएं। ठीक, अब कौन रोक सकता है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। जहां तक रही बात नून की, नून की भी अपनी एक पोलिटिकल बेस तो है और प्रिडोमिनेटली वो पंजाब में है, स्पेशली आप उसको सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब समझें तो सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब साइड पे उनकी एक पॉलिटिकल बेस जो है वो तो मौजूद है जी जी, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो उस बेस को होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक और चीज है जी। अभी हालिया हालात में आपने देखा कि लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर एक जलसे का इनेकाद किया गया जी जी जी, अब वो जलसा किस तरह से मैनेज किया गया वो एक और बहस है। सही, अच्छा, किस तरह से लोगों को लाया गया, किस किस तरह से लोगों को लाया गया वो एक और बहस है जी जी। मैं सर वहां था जी जी, मैंने खुद भी वो देखा, बसेस और वैन्स की तादाद थी ज्यादा, पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाया गया था, ट्रेन्स का भी सहारा लिया गया था। आमिर ज़िया साहब, सर ये एक पहलू है जी जी, ठीक है, लेकिन किस तरह से पब्लिक को वहां पे इकट्ठा किया गया ये एक और पहलू भी है ना इसका, लेकिन एक शो बन गया, उन्होंने अपना एक शो बना लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।